नमस्कार बच्चों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से और नॉलेज की दृष्टि से भी। आज हम पढ़ेंगे विद्युत अधिध्रुव और विद्युत अधिध्रुव आघूर्ण तथा साथ ही निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन निकालेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा साथ ही नीचे जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तुरंत ही सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव को समझिए, यानी कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए, बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन होती है। देखिएगा, यदि दो बराबर और विजाती आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि दो बराबर और विजाती आवेश, दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? बराबर और विजाती, यानी दोनों अलग अलग होना चाहिए। एक प्लस का होना चाहिए तो दूसरा माइनस का होना चाहिए। एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित, यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी है? बहुत ही अल्प, यानी कि बहुत न्यूनतम। तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस पूरे निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे हमारे पास प्लस क्यू माइनस क्यू दो आवेश है, दोनों आवेश बराबर है लेकिन दोनों वी जाती है, एक प्लस का आवेश है और एक दूसरा माइनस का आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L। ठीक है, इस पूरे निकाय को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। जैसे यहाँ अपने मुझे समझाया गया है कि चित्र अनुसार एक विद्युत द्विध्रुव प्रदर्शित है। इस चित्र में क्या है? विद्युत द्विध्रुव प्रदर्शित है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू दो विजातीय आवेशों से निर्मित है, यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू दो विजातीय, यानी कि अलग अलग आवेशों से, सॉरी अलग अलग चार्ज से आवेशित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L है, जो बहुत ही कम यानी बहुत ही अल्प अपन इसको मान सकते हैं। तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। और जो दोनों आवेशों के बीच की जो दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है 2L, उसको अपन क्या बोलेंगे? इसे द्विध्रुव की लंबाई है। अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अभी अपन ने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव, अब पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हो। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी द्विध्रुव का विद्युत आघूर्ण क्या बोल रहा है? किसी द्विध्रुव का विद्युत आघूर्ण उसके आवेशों के परिमाण एवं उसकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। क्या बताया गया है कि किसी द्विध्रुव का विद्युत आघूर्ण, यानी कि ये द्विध्रुव या ये द्विध्रुव का विद्युत आघूर्ण उसके आवेशों के परिमाण, यानी दोनों आवेश इनका परिमाण, इन दोनों आवेशों की वैल्यू या मान एवं उसकी प्रभावी लंबाई, यानी कि दोनों आवेशों के प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि दोनों आवेशों का परिमाण और दोनों आवेशों की जो लंबाई होती है उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, उसे बोलते हैं अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अपन कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, यदि किसी द्विध्रुव के आवेश का परिमाण क्यू, यानी कि विद्युत द्विध्रुव है इसका परिमाण कितना हो? क्यू हो, तथा प्रभावी लंबाई 2L हो, यानी कि दोनों आवेशों की प्रभावी लंबाई कितनी हो? 2L हो। जैसे यहाँ से प्लस क्यू और माइनस क्यू की बीच की लंबाई कितनी? 2L है, दोनों आवेशों की प्रभावी लंबाई 2L हो। अब इनका परिमाण और दोनों आवेशों की लंबाई के गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी, ये किसके बराबर होता है? पी इक्वल होता है 2L इंटू क्यू। 2L क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और क्यू क्या है? दोनों आवेशों का परिमाण। इसको फाइनली अपन लिख सकते हैं पी इक्वल टू क्यू एल। ये जो अभी दोनों टॉपिक अपने पढ़े इनका उपयोग हम आगे डेरिवेशन सोल्व करने में इनका उपयोग हम करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर इस टॉपिक पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा कैसे जाएगा। देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य, तो जस्ट अभी अपन पढ़ के आए हैं। और आगे से पूछा जाएगा कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है हमको। या ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जस्ट अब अपन पढ़ के आए, जो हमारे साथ एक फिगर है इसमें ये विद्युत द्विध्रुव को शो कर रहा है। क्या होता है कि दो बराबर और विजातीय आवेश जो एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उस निकाय को अपन क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस पूरे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए हमारे पास ये माइनस क्यू प्लस क्यू दो आवेश है, दोनों आवेश का परिमाण क्या है, बराबर है, लेकिन दोनों आवेश विजातीय है, एक प्लस एक माइनस का दूसरा प्लस का है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इस पूरे निकाय को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी कि इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, यदि इस विद्युत द्विध्रुव को हम अक्षीय स्थिति में आगे बढ़ाए, मान लो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं एक बिंदु मिलेगा। मान लेते हैं कि वो बिंदु क्या है, पी है। तो क्या बोल रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यानी कि इस बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि अक्षीय स्थिति क्या होती है। किसी द्विध्रुव के सापेक्ष बढ़ाई गई दूरी, मान लो मेरे पास ये द्विध्रुव है ए बी, इस द्विध्रुव के सापेक्ष बढ़ाई गई दूरी पर कोई बिंदु पी है। देखिए ये द्विध्रुव इसके सापेक्ष बढ़ाई गई दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, यानी इस बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं, यानी कि जो स्थिति है इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति कहते हैं। पूरा फाइनली चित्र ऐसे बनेगा। इसमें क्या होता है एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। देखिए ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। देखिए ए पर प्लस क्यू है, बी पर माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। उनके बीच की दूरी 2L है, यानी कि ये विद्युत द्विध्रुव है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। देखिए ये द्विध्रुव जो है, जो प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना है, इसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है। देखिए O जो है इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः एक मिनट, इस विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति में हमने E1 और E2 लिया। ये E1 E2 क्या, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। देखिएगा जहां पर प्लस क्यू आवेश होता है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर निकलती है, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखा हमेशा अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो इससे हम समझेंगे कि ये E1 की दिशा ऐसे क्यों ली अपन ने और E2 की दिशा ऐसे क्यों ली है। देखिएगा यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखा बाहर की ओर जाती है, इसलिए इस प्लस क्यू का विद्युत क्षेत्र जो है E1 है, इसकी दिशा जो है बाहर की ओर है, और माइनस क्यू जो आवेश है इस पर विद्युत बल रेखा है अंदर की ओर आती है, इसलिए इसकी दिशा माइनस क्यू की ओर होती है। इसलिए ये जो E1 और E2 जो है, ये प्लस क्यू का विद्युत क्षेत्र है और E2 जो है माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र है, दोनों की दिशा, इसकी दिशा बाहर की ओर है और उसकी दिशा अंदर की ओर है।
अब हम डेरिवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अतः बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बोल रहा है कि बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है E1, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण E1 क्षेत्र पर। E1 इक्वल होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन ए पी स्क्वेयर। एक बार और क्या होता है, E1 इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन ए पी स्क्वेयर। जो ए पी स्क्वेयर जो है होता है वो ए से लगातार पी के बीच की दूरी होती है। देखिए हम दूरी कैसे निकालते हैं, हमें ए पी के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए वो जो है इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु है और इस द्विध्रुव की कुल दूरी जो है 2L है, ठीक है, कितनी 2L। तो मान लो इसका मध्य बिंदु O से A के बीच की दूरी कितनी होगी L, और इसी O से इस B तक की दूरी जो होगी वो भी L। L और L पूरी कितनी हो जाएगी 2L। तो देखिएगा हम AP कैसे निकालेंगे, AP यहाँ से लगाकर यहाँ तक का, तो हम क्या करेंगे इस पूरे OP में से हम OA को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, AP बच जाएगा। देखिए कि AP इक्वल OP माइनस इस OP में से अपन क्या करेंगे OA को माइनस कर देंगे OA। मान रख दिएगा कि AP कितना है, सॉरी OP, O से P की दूरी कितनी R, तो R और माइनस, तो अब जगह माइनस है ये, O से A के बीच की दूरी कितनी है, O से A के बीच की दूरी जस्ट अभी अपन निकाले L, तो कितना हो गया L, तो इस AP का मान कितना हो गया L, सॉरी R माइनस L। तो ठीक है, हम क्या करेंगे E1 इक्वल 1/4πε0 Q अपन AP स्क्वायर। Q क्या है, बिंदु A पर आवेश का परिमाण, ठीक है। और जस्ट अगले स्टेप में E1 सेम टू सेम 1/4πε0 1/4πε0 क्यू अपनी जगह ये एपी की जगह अपन एपी का मान लिख देंगे R माइनस L। देखिए यहाँ पर एपी का स्क्वायर है तो अपन इस पूरे का स्क्वायर लगा दिया। और अपन क्या करते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसी प्रकार बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जस्ट अभी अपन बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, इसी प्रकार बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये कितना होता है, अब यहाँ पर E2, क्योंकि बिंदु बी का विद्युत क्षेत्र कितना E2, तो ये हो जाएगा E2 इक्वल 1/4πε0 क्यू। क्यू क्या है, बिंदु बी का आवेश, और बी पी स्क्वायर यानी बिंदु बी से लगाकर पी के बीच की दूरी, ठीक है, तो वो हो जाएगा E2 इक्वल 1/4πε0 क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर। अब अपन बी पी स्क्वायर का मान निकालेंगे। देखिए अपने को बी से लगाकर पी के बीच की दूरी निकालना, तो हमको पता है कि ओ जो है इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, और ओ से बी के बीच की दूरी कितनी एल है, और O से लगाकर P के बीच की दूरी कितनी R है। तो देखिए बी से लगाकर P, तो अपन लिख सकते हैं कि BO प्लस OP पूरी हो जाएगी BP। तो देखिए BP इक्वल BO और यहाँ से लगा इतना हो गया, अब यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये कितना होगा OP, तो प्लस OP मान रख दिएगा BP बराबर BO। BO का मान कितना है L, ये हो गया L प्लस OP यानी O से P के बीच की दूरी कितनी R, तो R, तो BP का मान कितना हो गया L प्लस R। तो हम यहाँ पर इस BP की जगह BP का मान रख देंगे, वो हो जाएगा R प्लस L, और यहाँ पर BP का वर्ग है तो इस पूरे का वर्ग, और इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा यहाँ पर E1 और E2 एक ही रेखा में विपरीत दिशा में कार्यरत है। देखिए E1 और E2 एक ही रेखा में, लेकिन दोनों की दिशा कौन सी विपरीत, इसकी ये वाली दिशा, इसकी
इसकी विपरीत दिशा है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर E1 E2 एक ही दिशा में विपरीत दिशा में कार्यस्थ है, अतः E1 ग्रेटर देन E2, यानी यहाँ पर क्या E1 बड़ा है E2 से, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता या बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी E=E1 - E2। क्या करना है E=E1 - E2। यहाँ पर ये रफली कार्य है, इसको आपको एग्जाम में नहीं करना, सिर्फ समझना है, ठीक है। तो हम अभी अपन देखा बिंदु P पर परिणामी तीव्रता वो होता है E=E1 - E2। अपने को क्या करना है, समीकरण एक और समीकरण दो से यहाँ पर हमने E1 और E2 के मान रखना है। तो देखिएगा E=E1 का मान कितना है समीकरण एक से 1/4πε0, देखिए 1/4πε0 into Q/R-L का वर्ग, बीच में माइनस अपने माइनस लगाया। अब E2 का मान रखना समीकरण दो से, देखिए E2 का मान क्या है, ये वाला 1/4πε0 इंटू Q/R+L का होल वर्ग। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ चीज कॉमन आ रही है, देखिए 1/4πε0 यहाँ पर भी है, 1/4πε0 यहाँ पर भी, Q यहाँ पर भी और Q यहाँ पर भी, तो ये पूरा चीज यहाँ से और यहाँ से ये दोनों चीज क्या हो जाएगी कॉमन आ जाएगी। देखिएगा E=1/4πε0, ऊपर Q भी आप लिख सकते हैं। अब क्या बचा है यहाँ पर, क्या कॉमन आया, Q=, ठीक है, Q=4πε0। अब यहाँ पर क्या बचा, 1/R-L का होल वर्ग माइनस, यहाँ से ये चीज बाहर चली गई, क्या बचा है 1/R+L का होल वर्ग। पुनः E=Q/4πε0। अब यहाँ पर अपन क्या लेंगे, एलसीएम, एलसीएम लेना शायद सबको आता होगा, फिर भी हम एक बार देखेंगे, जो अपॉन में ही बटे में उसको ऐसा ऐसा लिख देंगे अपन, R-L का होल वर्ग इंटू R+L का होल वर्ग। अब क्या करेंगे अपन, इसका भाग इसमें देंगे, तो देखिए इसका भाग मैं इसमें दूंगा तो ये दोनों सेम में कट जाएंगे, क्या बचा है R+L का होल वर्ग, इसको यहाँ लिख देंगे अपन, देखिएगा R+L का होल वर्ग, बीच में माइनस है तो माइनस। अब इसका भाग अपन इस पूरे में देंगे, देखिए R+L का होल वर्ग से R+L होल वर्ग कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ R-L का होल वर्ग। अब हम यहाँ से देखिए R+L होल वर्ग और माइनस में R-L का होल वर्ग, होल वर्ग को अपन क्या करेंगे, ओपन करेंगे। देखिए ओपन कैसे करते हैं एक बार अपन देख लेंगे, कि मान लो हमारे पास A+B का होल वर्ग, इसको अपन कैसे ओपन करेंगे, कि A का वर्ग प्लस में B का वर्ग और प्लस का 2AB। अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो देखिए हम अगले स्टेप पे आते हैं, तो देखिएगा E=Q/4πε0, तो सेम टू सेम अपन क्या करेंगे, अपॉन में जो है उसको भी क्या करेंगे आप सेम टू सेम ऐसा कैसा लिख दिए, R-L का होल वर्ग इंटू में R+L का होल वर्ग। अब देखिए इसका अपन होल वर्ग ओपन कर रहे हैं, तो देखिए A का वर्ग यानी कि R का वर्ग, B का वर्ग यानी कि L का वर्ग और प्लस 2AB यानी कि 2R L माइनस, इसको भी ओपन करेंगे, माइनस अभी बाहर रहने दो इसको, इसको ब्रैकेट के अंदर अपन ओपन करेंगे, A का वर्ग यानी कि R का वर्ग प्लस B का वर्ग यानी कि L का वर्ग और माइनस 2AB यानी कि 2R L। ठीक है, अब हम इस माइनस के अंदर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा E=Q/4πε0 ब्रैकेट के अंदर, इसको ऐसा ऐसा लिखेंगे अपन, कि R का वर्ग प्लस L का वर्ग प्लस 2RL
माइनस, इस माइनस के अंदर अपन क्या करें गुणा, तो ये माइनस का आर का वर्ग, ये भी माइनस यहाँ हो जाएगा, अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का एल का वर्ग, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस टू आर एल ब्रैकेट क्लोज। और अपन में क्या चल रहा था, आर माइनस एल का वर्ग इंटू आर प्लस एल का वर्ग। अब देखिएगा आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का, एक प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का, ये भी एक प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या टू आर एल प्लस का है और टू आर एल प्लस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस के तो ऐड हो जाएंगे। देखिएगा ई इक्वल क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और ब्रैकेट नीब लगाओ चलेगा, टू और टू कितना होंगे फोर आर एल, एक स्टेप क्लोज ब्रैकेट अपन लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ अपॉन में क्या बचा था, आर माइनस एल का वर्ग इंटू आर प्लस एल का वर्ग। अब थोड़ा सा हमको इतना समझना है, देखिएगा हम जानते हैं कि यदि हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, अगर ऐसा हो a प्लस बी एक बार प्लस में हो और a माइनस बी एक बार माइनस में हो, तो इसका मतलब होता है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ठीक है। जो a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मान कितना होगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो देखिएगा यहाँ पर भी क्या है, r माइनस एल, अभी जो स्क्वायर है इनके ऊपर जो पावर है उसको भूल जाइए थोड़ी समय के लिए, ठीक है। तो r माइनस एल और r प्लस एल, इसका मतलब ये हो जाएगा कि r का वर्ग माइनस l का वर्ग, और फाइनली ये वर्ग है तो इसके पूरे के ऊपर कितना हो जाएगा, वर्ग आ जाएगा। देखिएगा ये स्टेप कैसे बनती है, e इक्वल q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो फोर आर एल अपॉन। अब देखिए ये क्या, आर माइनस एल और आर प्लस एल, तो ये हो जाएगा आर का वर्ग माइनस में एल का वर्ग, और पूरे का वर्ग चल रहा तो पूरे का वर्ग लगा दीजिएगा अपन। अब देखिए इसको थोड़ा सा अपन एडजस्ट करते हैं कि ई इक्वल इस क्यू को अपन क्या थोड़ा सा अंदर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ होगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और इस फोर को मैं लिख रहा हूँ टू इंटू टू, देखिए टू इंटू टू, और इस क्यू को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर और आर एल, सॉरी इस स्टेप को अपन पुनः एक बार और करेंगे, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा रेन दीजिएगा, तो हमारे पास क्या था ई इक्वल, अब इस क्यू को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, मतलब इस क्यू को मैं थोड़ा अंदर ले जा रहा हूँ ना, तो यहाँ पर बचा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, इस फोर को मैं लिख रहा हूँ टू इंटू टू, और यहाँ पर क्यू को मैं लिख रहा हूँ क्या हो जाएगा टू क्यू एल और आर, और अपॉन में क्या चल रहा है आर का वर्ग माइनस में एल का वर्ग और पूरे का होल वर्ग। अब देखिएगा मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया है, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रैकेट लगा दिया, कुछ नहीं किया अपन, एडजस्ट किया है कि इस क्यू को मैंने पहले तो हमने फोर को लिखा टू इंटू टू, और इस क्यू को उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया ना, ठीक है। और यहाँ पर आर एल तो चल ही रहा, देखिए आर को यहाँ लिख दिया एल को यहाँ लिख दिया, कुछ नहीं किया है, पूरा स्टेप यही है, थोड़ा सा अपन ने इसको मॉडिफाई किया है, ठीक है। और एक बार और क्योंकि हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो क्या होता है, P इक्वल टू क्यू एल, जस्ट अभी अपन पीछे ये पढ़ के आए हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस टू क्यू एल की जगह इस टू क्यू एल का मान रख दूँगा, वो कितना है P। तो देखिएगा अगली स्टेप में E इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, टू अपनी जगह ही है, इस टू क्यू एल की जगह मैं रख रहा हूँ, इस टू क्यू एल का मान वो होता है पी, तो हो जाएगा पी आर, और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर और पूरे का होल वर्ग।
अब देखिएगा, यदि L का मान R की तुलना में बहुत कम हो, अर्थात L लेस देन टू लेस देन R, यानी कि यहाँ पर L जो हो जाए बिल्कुल नगण्य हो जाएगा, L का मान जो है बहुत कम हो, नाम मात्र का हो, इसलिए L यहाँ पर क्या नगण्य, अर्थात L बराबर अपन जीरो लिख सकते हैं। ये कैसे होता देखिए, ये अपन ने विद्युत द्विध्रुव में पढ़ा था कि दो आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश और विजाते आवेश दोनों के बीच की दूरी कितनी हो, 2L हो, और दूरी जो है जो L जो है बहुत ही कम होती है, नगण्य होती है। देखिए ये अपन इस L की तुलना में इस R को अपन कंपेयर करें तो इस R की तुलना में L का मान जो होता है ये बहुत ही कम होती है, इसलिए इसको अपन क्या नगण्य मान लेते हैं। तो देखिएगा, अपने को ये नहीं करना है, देखिएगा E इक्वल 1/4πε0 अब ऊपर चल रहा 2πr, अब यहाँ पर L की जगह क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पर क्या बचेगा R की पावर 2 और पूरे की पावर कितनी है 2। तो देखिएगा अब हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं कि E इक्वल 1/4πε0 2πr, और यहाँ पर देखिए R की पावर 2 और पूरे की पावर 2, यानी कि R की पावर 4 हो जाएगा, इस R की पावर 4 को मैं R की पावर 3 इंटू आर लिख रहा हूँ। देखिए R की पावर 3 इंटू आर, ये वैसे R की पावर 4 ही बनता है, तो यहाँ पर इस एक R से एक R कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा है E इक्वल 1/4πε0 इंटू 2π अपॉन में R क्यूब। और हमने यहाँ पर जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकाली है वो हमने अक्षीय स्थिति में निकाली, इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे E अक्षी इक्वल 1/4πε0 इंटू 2π अपॉन R की पावर 3, और यही जो होता है हमारा फाइनली सूत्र है, और इसको अपन लिख सकते हैं कि यही किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। फाइनली अपने को क्या लिखना है, फाइनली हमको लिखना है यही किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से डेरिवेशन को सोल्व कीजिएगा। अगर इसके बाद भी कुछ चीज़ समझ में अगर नहीं आती है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हम उस प्रॉब्लम पर नया वीडियो बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।